तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई भी इमेज को ओपन कर रहे हैं और ये फाइल सिस्टम रीडर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो मैं अगेन इसको ओपन करता हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाइस, इसको फिक्स करने के लिए आपको सर्च बॉक्स पे जाना है और यहाँ पर टाइप करना है सर्विसेज। तो ऊपर में ये ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिसका नाम है विंडोज़ लाइसेंस मैनेजर। तो नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ये रहा मेरा ऑप्शन, सिंपली इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये डिसेबल होगा तो आपको मैनुअल पे क्लिक कर देना है और सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और यहाँ ऊपर में जो ऑप्शन है, इन सभी में आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है और क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइज, अब हम इसको अगेन ओपन करके देखते हैं इस टाइम प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस टाइम जो हमारा फाइल है जो हमारा इमेज है वो ओपन हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो गाइस, ये जो प्रॉब्लम है, अगर आप अपने कंप्यूटर को अपडेट करिएगा तो इस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और हर वक्त नहीं मिलता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।